अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो कल की तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ड्रिप वगैरह लगवाई थी। अभी मैंने रिमूव किया यहाँ हाथ से, ठीक है, यहाँ से मैंने उतारी है खुद ही। तो नहीं तो डॉक्टर तो कह रहा था कि हम 12 बजे तक होते हैं, तो ना आप उतरवा लेना आके। तो फिर रात को मैं गई नहीं, मैं सो गई थी। काफ़ी मेरी तबीयत बेहतर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आप सब जो हमें देख रहे हैं, जुड़े रहे हैं हमारे साथ, जो हमें माशाल्लाह पाकिस्तान से और पाकिस्तान की और दूसरी कंट्रियों से देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको मसलन हौसला दे और सब आप सबको कामयाबी दे और आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का व्लॉग हो गया है स्टार्ट। मैं बैठी थी अभी इधर, ये अभी एलिजा गई है स्कूल। ये देखिए 9 बज गए हैं, 2-3 मिनट कम है अभी सुबह के 9 बजने में। आसमान लगाई है सुबह सुबह मशीन, वो कपड़े धो रही है और मौसम भी काफ़ी ख़राब है। उसने धोने थे कपड़े, तो बस वो हमें दो उधर जाना पड़ा, तो कह रही चले धो लेते हैं, फिर उसके बाद हमने भी तो अपना घर में करवाना ना, नियाज वगैरह दिलवानी है, तो वो भी मैं सारा आपसे एक्सप्लोर करती हूँ। अभी अम्मी गई थी बच्चों को छोड़ने, वहाँ से भी आ गई हैं। अब मैं जा रही हूँ बाहर, उठूँ उठ के कुछ बंदा हिले जुले ज़रा, तो पता ही नहीं चला कल। हालांकि मैंने तो उधर कुछ खाया भी नहीं, एक पूरी खाई थी बस चने के साथ, ना मैंने वहाँ खीर खाई, ना मैंने टिक्कियाँ खाई और ना मैंने कोई और चीज़, ना मैंने नान चने खाए। तो माशाल्लाह इतना अच्छा खाना था वहाँ, फिर मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, दिल ही नहीं किया। वो एक पूरी खाई है बस, उसके बाद ना अजीब सा ही हो रहा, मेरा दिमाग घूम रहा था और मेरे पता नहीं क्या जिस्म अजीब सी फीलिंग हो रही थी। यहाँ मैं उठी हूँ, मैंने कहा चले मैं ना उठ के दवाई शवाई खाऊँ, 2 पीस डबल रोटी के गर्म करूँ अपने लिए। तो साथ मैंने इधर रखी है चाय, कावा सूख रहा, मैं दूध डालूँ, ठहरे ज़रा। ओहो डबल रोटी गिर गई है, ओह शुक्र है प्लेट में ही गिरी। इसको पहले मैं देखूं। चलो जी, यहाँ मैंने दूध डाल दिया चाय में और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है। मैं क्या थोड़ा सा उठूँ उठ के कुछ करें, लेटे रहे तो ऐसे दिमाग मेरा ना हो रहा भरा भरा, आंखें बंद हो रही हैं, नींद ही आ ही जा रही है। तो चूल्हा थोड़ा सा सस्ता कर देते हैं, ज़रा दूध पक जाए और साथ ही इधर डबल रोटी करते हैं गरम। डबल रोटी करी गरम, अल्लाह नबी का करम, बस करके तो दवाई खा के फिर थोड़ा सा लेट जाऊंगी, फिर उठूंगी उठ के काम वगैरह करके, क्योंकि जब इंसान की अपनी तबीयत ना ना सही हो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ज़रा गरम करिए, ज़रा नरम हो जाते हैं ऐसे पीस ना। तो आप सब दुआ करना जल्दी से मैं सही हो जाऊँ। अब बाहर पता नहीं कौन आ गया, देखते हैं बाहर कौन आया कौन नहीं आया, देखनी है। भाभी को दे बुलाने आया कोई, चले अपनी चाय दे। जल्दी से बस चाय हो रही है, इसको हिलाती हूँ तो अंदर चलते हैं। फोन
चाय बन गई है मेरी। इधर रखते हैं, बाहर से मैं दूध उठा लाऊं, दूध भी उबाइल हो गया। गरम पतीली है, गरम पतीली, ये सर्दी है इसीलिए उठाई जा रही है हाथ से, नहीं तो नहीं उठाई जानी थी। तो ये मैं करती हूँ, मेडिसिन भी साथ नीचे उतार लो। आए चक्कर आ रहे हैं इस टाइम मुझे ना, इसके पापा का फ़ोन आया था, कह रहे थे दवाई खाई है आपने, मैंने कहा नहीं अभी बस नाश्ता करने लगी हूँ, खाती हूँ दवाई भी साथ ही, नाश्ता करके साथ ही मेडिसिन ले लूँगी। आए इधर मैं लेटी थी कंबल में, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, आसमान लगाई थी मशीन, अब बारिश होने लग गई है। चल जी आए, कंबल पीछे कर दो बोतल, ये इसके पापा ऑयल लेके आए थे, वो अच्छी तरह धोई है अम्मी ने गर्म पानी से धो के, तो अम्मी ने मुझे पानी भर के दे दिया इसमें। मैं कह देख लो हम लोग कैसे कैसे बोतलें छोड़ते नहीं हैं, पानी डाल के पी लेते हैं। फिर अच्छी लग रही थी ना बोतल, इसीलिए ना मैंने फेंक ही नहीं। तो मैं करने लगी हूँ नाश्ता, तो आप भी कर लें, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं नाश्ते के लिए, तो फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप भी आ जाएं जिस जिसने खाना है। मैंने कल कमेंट में देखा था वीडियो में, जो हमारे मोहल्ले में लोग हैं वो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबका शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखी। तो आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फुल वॉच किया करें वीडियो हमारी। आसमा आई है खाना बनाने लगी है। हाँ मैं नदीम उठा हुआ, उसका नाश्ता बना रही हूँ, अभी उठा है वो। हाँ ये रखी है मैंने चाय, उसे मैं जब आलू मेथी बना के गई थी वो मेरी पड़ी है, आज हम वही खाएंगे। तो इधर मैं कपड़ा बिछाती हूँ, बेड़े कर लिए मैंने, तो माल आया हुआ था वो मैं बना रही हूँ कमरे में अपने अकेली, कि भाभी कह रही थी मैंने नहीं बनाना। मैं बड़े मुश्किल से कटर चला रही हूँ, उंगलियों में मेरे उंगलियाँ जो मेरी जली हैं उसमें दर्द हो रही है, कटर पकड़ा नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से बना रही हूँ। ये इधर लीजा लगा रही है, सुरमा सुरमा लगा रही हो? हाँ सुरमा लगा रही है। चलो जी मैं नाश्ता बना लूँ। तो ये लेटी हुई मैडम, उठ जा मैडम, माल बन गया उठ जा। अच्छा हाँ मैं भी, भाभी उठ गई है सफाई कर रही है, तो मैं पकाने लगी हूँ गुड़ वाले चावल, मैंने बड़ी देर के चावल बचा के रखे थे थोड़े से साबुत चावल, थोड़ा इसको मैं भिगोती हूँ बाहर जाके नाप के। तो गुड़ मैंने ला के रखा हुआ था, टाइम ही नहीं लग रहा था, दो दिन वहाँ मसरूफ रहे, तो मैं कहा चलो आज पकाती हूँ, चलो मैं इनको निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। सफाई करते करते बाहर आ गई है, तो देखिए मैंने इधर चावल भिगो दिए, ये 3 गिलास निकले हैं, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है, गुड़ भी मेरा आधा किलो ही है। तो आज मैं बताऊंगी आपको मैं गुड़ वाले चावल कैसे पकाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। तो इधर सारा काम वगैरह कर लिया, छत पे गई थी मैं, कपड़े सारे जो धोए थे मैंने, कहीं हवा चाह, पहले बारिश हो गई सुबह, कपड़े बिछाए मैंने, तो भाभी ने आके कहा बारिश हो गई, फिर मैं सारे कपड़े उतारे, उतार के टप में रखे, तो साथ ही देखा देखा एकदम बारिश रुक गई, फिर सारे उनको फैलाए छत पे, सारे फैलाए मैंने। तो अब मैं दोबारा गई ऊपर जाके, मैंने जो कपड़े सूखे थे वो ले आई हूँ नीचे, तहखाने में डाले हैं, जो ज़्यादा गीले थे उनको मैं किचन में रख के आ गई। तो सुबह मैंने कहा चले डालती हूँ, पर थक गई, सांस फूल गया मेरा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती मेरे से, इतना सांस फूल जाता है एकदम। तो मैं फिर नदीम कह रही गुड़ वाले, तो इतने दिन से कह रही थी गुड़ वाले चावल चावल, मैं कह चले आज मैं बनाती हूँ।
मैंने भिगो दी है, थोड़ा सा काम रह गया मेरा माल वो बनाती हूँ, वो बना के उसके बाद फिर 1 घंटा चावल भिगेंगे। साबा चावल है ना, तो टाइम लगता है इनको भिगोने, तो भीगते हैं तो फिर पकाते हैं चावल। और आपको आज मैं दिखाऊंगी, आज मैंने हांडी नहीं बनाई क्योंकि मेरी आलू मेथी पड़ी हुई थी जो मैं परसों बनाई थी, तो वो खाई नहीं इनके पापा ने, वो पड़ी है। तो उसके साथ बाजार से रोटियां ले आएंगे, साथ दही ले आएंगे तो वो खा लेंगे, और कुछ गुड़ वाले चावल हो जाएंगे, चलो जी वो बनाते हैं। तो फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं गुड़ वाले चावल। स्टार्ट कर दिए, ये देखें मैंने इधर रखे हैं चावल, इनको उबाल उबल रहे हैं ये, इनको ना सिर्फ 2 या 3 मिनट एक कनी पे उबाल लें, चावल की ज़्यादा हो गई। इधर मैंने चाशनी गुड़ की नरम हो गई, इसमें मैंने सौंफ और इलायचियाँ डाली हुई हैं, इनको फिर मैं ना जब अभी ज़रा थोड़ा सा बैड उबल जाए फिर इनको मैं निकाल के छान के तो चाशनी वगैरह लगाऊँगी, फिर आप सबको दिखाऊँगी। ये क्या ये फटाफट बन जाते हैं गुड़ वाले चावल, बहुत जल्दी बनते हैं। तो बस ठीक है, इनको मैं निकालती हूँ डिश में, इसका पानी निकालती हूँ तो फिर इसको दम लगाऊँगी। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए हैं, ये देख रहे हैं फिल्म वगैरह। मैं बाहर जा रही हूँ, आसमा को चावल पका रही है मीठे गुड़ वाले, देखूँ कहाँ तक पहुँची है। ये तो इधर ही खड़ी है, कहीं भी नहीं गई, क्या कर रही है? चाशनी चाशनी डाल दी मैंने, पानी पाया चाशनी चे ते पानी पाई दे काले हो जाएंगे। अच्छा अच्छा पतला कितना ना। अच्छा अच्छा अब ये इसमें चावल मिक्स करेगी, चाशनी में घी है और ऑयल है ना। अच्छा ये चाशनी में डाले हैं और मिक्स कर रही है, साबुत चावल डाले हैं। अब इसी चाशनी में ना दम लगाएंगे, पक जाए ना थोड़े इसके अंदर। हाँ 2-3 मिनट पका के ना, जब जैसे दम वाला रह जाता पानी, ऐसे जब दम वाली चाशनी रह जाएगी तो फिर दम लगा दें। चलो सही है, इधर धोने लगी आसमां बर्तन, बहुत ज़्यादा एक छन्ना है बस चावलों वाला। अम्मी का कप टूट गया चाय वाला, आसमान तोड़ा कह रही है, मैं कहूँगी नदीम ने तोड़ा। हाँ पता ना अम्मी से डांट पड़ेगी, वैसे ही मजाक करिए। हाँ वो कह रहे थे माल बना दे, मैंने ना पैसे चाहिए मुझे, पैसे लेके आने हैं आज मैंने। वो वाला भी बन गया सारा। अच्छा जरा हूँ दे के गया, बस वही रह गया, हूँ फिर दे के गया। अच्छा अच्छा हाँ 2 बंडल आए ने, पता नहीं 288 पीस कह रहे हैं, मैसेज आया गया ना। सुबह लेके गया ना, वो 2 डिजाइन आएंगे, वो दो में मैं बना लेते, थोड़ा दूसरा सी 2 बंडल सी, एक सी ना एक दे विच ही उन्हें रखिया सी। अच्छा वो दे नाल दा हुंदा जरा थोड़ा जिया हैगा सी ना, सुबह आया वो नाल दा ही हुन दे के गया बताया। चलो सही है, इधर इब्राहिम दो रहा हाथ अपने, इसके हाथों में पता नहीं क्या लग गया। ये देखें इनका रंग कलर कैसा है, के हाँ थोड़ा चल हूँ इको जी कर दम लगेंगे जब पकेंगे, प्लेट में निकाल के सर्व करके दिखाएंगे। सर्फ करके थोड़ा सा सर्फ डाल के हाँ अच्छा कई लगाए थे, एक दफा मैंने बच्चों को वो निकला था ना, तो निकलता है चिकन पॉप्स, हाँ वो निकले थे तो उसमें मैंने ना
पहली दफ़ा मेरे अभी मुतजा को जब निकले ना तब बनाया, फिर दूसरी दफ़ा जब लीजा को निकले तब बनाया, पहले लीजा नो ऐसी फिर अली नो ऐसी। हाँ पहले लीजा को जब हुए थे तब मैंने गुड़ वाले चावल को खाए। हाँ कल लगाया था मुझे, हाँ लग गया था मेरा। एक हफ्ते बाद अली नो हो गए थे ना। हाँ ये होता है हर बच्चे को होता है। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट। इतने देन मैनू आई है तो खाना पी जा खाई या पी जा रही, मैं चेक कर रही थी कनी कच्ची थी नहीं। देखें जरा ये बने हैं चावल आसमान ने बनाए हैं। मज़े के लग रहे हैं, खा कर चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े के बने हैं, सौंफ भी डाली है इसने। यमी यमी बने हैं। अलीज़ा आएगी ना वो खाएगी, उसको बड़े पसंद है मीठे चावल। चलें जी आज तो हस्बैंड ने पार्टी ही पार्टी करा दी है। यहाँ पे लेके आए हैं कबाब टिक्का, साथ में सलाद है, चटनी है और खमीरी रोटी लेके आए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत लीज़ा के पापा। आज पता हमने ये कितनी देर बाद लेके आए हैं? एक साल बाद। नहीं नहीं ज़्यादा, ये जो टिक्के की सीख है ना ये ज़्यादा देर बाद आई है मेरे ख्याल से, 2 या 3 साल बाद है ना, इससे भी ज़्यादा ही लगा लो, काफ़ी देरी होगी हमने कभी, बहुत देर हो गई है। चलो ठीक है, जो चीज़ किस्मत में होती है इंसान के वो वही खाता है ना, जो हम नहीं थी वो नहीं थी। ठीक है अभी हम खाना खाने लगे हैं। क्या हाँ मैंने कुछ बनाया नहीं था तो मैंने कहा चाओ ले आओ, लीज़ा भी आने वाली है तो खाना खा लेना आप लोग। तो अभी हम खाना खाने लगे हैं तो अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क दे, अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में भी बरकत हो और आप सबके भी हो। तो खाना खाते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे भी लोग अपना।